भारतीय धर्म संस्कृति हिंदू जीवन मूल्यों आस्था व स्वाभिमान की रक्षा हेतु 1964 में बने विश्व के सबसे बड़े हिंदू संगठन के 60 वर्ष पूर्ण होने पर आज संगठन वट वृक्ष बन गया है। विश्व हिंदू परिषद के षष्ठी पूर्ति वर्ष समापन स्थापना दिवस कार्यक्रम पूजनीय संत सत्यनारायण गिरि महाराज की अध्यक्षता में सरस्वती शिशु मंदिर प्रखंड लटेरी में संपन्न हुआ, जिसमें संत सत्यनारायण गिरि महाराज के द्वारा समाज में हो रही बुराइयों एवं हिंदू समाज के एकजुट होने की बात कही। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रांत सह सेवा प्रमुख राजेश साहू ने विश्व हिंदू परिषद के 60 वर्ष की यात्रा और उपलब्धियों के बारे में बताया। जिला सामाजिक समरसता प्रमुख बसंतीलाल कुशवाहा द्वारा समरसता पर विशेष बल दिया और सबको एक सूत्र में पिरोने की बात कही। धर्म यात्रा महासंघ प्रमुख ब्रिजेश कुशवाहा ने सभी को संगठित होने की बात कही एवं पचमढ़ी झूकर जोगी आश्रम के संत आदित्य गिरि महाराज ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यों की प्रशंसा की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक मातृशक्ति व दुर्गा वाहिनी की बहनों ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन प्रखंड मंत्री अमित शर्मा द्वारा किया गया। प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा सभी हिंदू समाज के उपस्थित गणमान्य नागरिकों का आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम में प्रखंड उपाध्यक्ष रामवीर कौर, राजकुमार कुशवाहा, धर्माचार्य प्रमुख दिनेश मेहता, अर्चक पुरोहित प्रमुख रविशंकर शर्मा, धर्म प्रचार प्रसार प्रमुख चंदन लोधी, बजरंग दल सह संयोजक उमेश शर्मा, सचिन नायक, दुर्गा वाहिनी प्रखंड संयोजिका बहन सोनम सेन, मातृशक्ति प्रखंड संयोजिका हेमलता शर्मा व प्रखंड व सभी खंडों के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक नहीं थी, ये विश्व हिंदू परिषद की षष्ठी पूर्ति वर्ष यानी स्थापना के 60 वर्ष पूर्ण होने पर हर प्रखंड केंद्रों पर बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें समाज के गणमान्य नागरिक बंधु, व्यापारी बंधु, मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी सभी को आमंत्रित किया जा रहा है। 60 वर्ष की संगठन की स्थापना की जरूरत, संगठन के उद्देश्य और संगठन ने अभी तक क्या क्या किया, ऐसे मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई और बताया गया और संकल्प भी दिलाया गया कि विश्व हिंदू समाज को सुरक्षित और संस्कृति को सुरक्षित रखना है तो हर हिंदू को स्वयं को जागृत हिंदू के नाते खड़ा होना पड़ेगा और एक समरस और मजबूत समाज खड़ा हो, ऐसा एक संकल्प।